आज तो चलते चलते हालत खराब हो गई दोस्तों। तो आज हम आए थे हमारे गांव की एक छोटी सी नदी में, और यहां पे आज हमने हुक फिशिंग खेला, और हुक फिशिंग के बाद हमने एक गांव में खेले जाने वाली अनोखी टेक्निक से फिशिंग खेला, जिसे देखकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। वो टेक्निक है लंगर फिशिंग। तो दोस्तों आज आपको इस वीडियो में लंगर फिशिंग देखने को मिलेगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए मछली पेड़ पर लटक गया, मछली फ्लॉट को घसीटते हुए लेके जा रही थी, तो ये भाई ने ऊपर ध्यान नहीं दिया और सीधा गांव मारा, और मछली निकल के हुक के साथ सीधा पेड़ की टहनी पे फंस गई। तो देखेंगे आप, ये है, लगती है बाम है ये, हाँ बाम है। तो ये पेड़ पे फंस गई है, तो उसे धीरे से नीचे उतारते हैं। आराम से खींचो, आराम से, हुक टूट जाएगा। पूरा फंस गया क्या? तो ये भाई निकालने की कोशिश कर रहा है, निकलिए। बहुत ही जबरदस्त इलाका है ये, यहाँ पे बहुत सारी बाम रहती है। बाम है, तो ये छोटी सी बाम लगी है, और पहले ही बाम में ये पेड़ पे चढ़ गई। ये देखिए काफी खूबसूरत है, लाजवाब, दिखने में काफी खूबसूरत लग रही है। या दूसरी मछली फंसने वाले क्या? पहले पानी यहाँ पे क्लीन था, लग रहा था कि स्पून फिशिंग खेल पाएंगे, पर फिर से बारिश हुआ तो पानी काफी गंदा हो गया। तो दोस्तों स्पून फिशिंग में भी टाइम लगेगा। अरे बाप रे, वाव, काफी कमाल की फिश है, अच्छी साइज है। ये देखिए दोस्तों, वाव दोस्तों, इस जगह पे कभी कभी छोटे से हुक में भी इस तरह की मछलियाँ, अच्छी साइज़ की मछलियाँ लग जाती है। ये देखिए कितनी खूबसूरत मछली है दोस्तों। एक लाइक कर दीजिए हर बार की तरह, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इस वीडियो को देख सको। तो देखिए दोस्तों, ये दूसरी मछली लगी है, अच्छी साइज है, छोटे छोटे हुक में इस तरह की मछलियाँ लग रही है यहाँ पे। दोस्तों ये है गांव में खेले जाने वाली अनोखी टेक्निक, जिसे लंगर फिशिंग कहते हैं, जिसे दोस्तों हर जगह पे अलग अलग तरीके से खेला जाता है। कुछ जगह पे लंगर को पानी में डाल के किसी लकड़ी में फंसा दिया जाता है, जब मछली लगती है तो लकड़ी हिलती है तो हमें मालूम पड़ जाता है। और ये जो मैं खेल रहा हूँ, ये टेक्निक है लंगर को पानी में डाल के मछली जब बाइट करती है तो उसकी वाइब्रेशन के हिसाब से हमें हुक को गाँव मारना रहता है। तो इस तरीके से मैं फिशिंग खेल रहा हूं, तो देख सकते हैं हमें कुछ मछलियां लगी है, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर फंसा होगा। तो इससे निकालते हैं जल्दी से बाहर और देखते हैं क्या है इसमें। दोस्तों देखने में मज़ा आता है कि बाहर निकलता है तभी हमें मालूम पड़ता है कि इसमें कौन सी मछली फंसी है। तो ये देखिए दोस्तों, एक छोटी सी मछली है, ये देखिए, ये मेरा सेटअप है कि एक छोटी सी बोतल में रस्सी से मैंने ये लंगर बनाया है। इसमें दो हुक लगा है और एक छोटा सा वेट डाला है जिसमें आप सीसा भी लगा सकते हो। तो इस तरह से मछली की हलचल को हमें फील करना पड़ता है। मछली जब बाइट करती है और लेके भागती है तब हमें घाव मारना होता है इस तरह से। तो दोस्तों लगता है दूसरा भी कुछ फंसा है, दोस्तों ये खेलने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि हर गांव में मछली नहीं फंसती, कुछ बार हमारा गांव खाली भी जाता है। ये देखिए इसमें भी मछली फंस चुकी है दोस्तों, मैंने यहाँ पे दो तीन बोतल डाल के रखी है, तो
तो इसमें कुछ हलचल हो रही थी, तो देखते हैं क्या है। लगता है कुछ फंस गया है, तो इसे भी हम बाहर निकालेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या फंसा है। दोस्तों लंगर काफ़ी दूर फेंका है, तो इसके लिए उसे निकालने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये मछलियाँ हमेशा पत्थरों वाली जगह में रहती है, और हमारा जो हुक है उसे पूरा निगल जाती है और पानी के नीचे बैठी रहती है, और हमें मालूम भी नहीं पड़ता कि हमारे हुक में कुछ फंसा है। ये देखिए दोस्तों, इसमें मछली फंसी है। मैंने जो लाइन है ये लकड़ी में फंसाई थी, तो इसमें मछली फंसी है, इसके लिए लकड़ी हिल रही है। ये देखिए झटका मार रही है, तो जल्दी से मैं उसको निकलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या चीज़ फंसा है। तो जल्दी से हम इसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, लगता है कुछ तो फंसा है इसमें। दोस्तों हमारा हुक कहीं पे फंस गया। दोस्तों लगता है हमारा हुक कहीं पे फंस के टूट चुका है। ये पूरा पत्थर वाला एरिया है, इसके लिए कहीं पे फंस गया है हमारा हुक। सिट, हमारा हुक फंस के टूट गया दोस्तों।